पीलीभीत में अमरिया के बड़ेपुरा और मझोला पहुंचे भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अमरिया के गुरुद्वारा नानकसर बड़ापुरा में पहुंचकर दर्शन किया। इस मौके पर गुरुद्वारा के बाबा मोहन सिंह से मुलाकात भी की है। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन को ताक में रखकर हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश का किसान अब जागरूक हो गया है और वह अपने हर अच्छे बुरे को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश की सबसे झूठी सरकार है और अपने वादों में हमेशा झूठ बोलती है। एमएसपी पर राकेश टिकैत ने बताया कि धान की फसल तैयार है और सरकार को एमएसपी पर हमारा धान खरीदना होगा। हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं, किसानों के हकों की मांग की है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका भाईजान यूपी में आ गया है जो टीम बी का काम करेगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार बड़े व्यापारियों का भला कर रही है और सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, मंडियों को बेच रही है, इसको सहा नहीं जाएगा। सरकार धान गेहूं के रेट बढ़ाने की बात कर रही है जबकि किसान के पास उसी पुराने दामों का पैसा आया है। भाजपा सरकार ने झूठ में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 2022 के चुनाव को लेकर टिकैत बोले कि सरकार जिनकी है अधिकारी भी उनके डीएम एसपी ही जिता देंगे। जैसे जिला पंचायत के चुनाव में बेमानी की, विधानसभा में भी यही करेंगे। अमरिया के भरा पचपेड़ा पर किसानों को कब्जा मुक्त किया जाने पर टिकैत बोले किसान सरकारों को जबरन उनकी जमीन से बेदखल कर रही है ताकि उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों को लगाया जा सके, क्योंकि सरकार पहले किसानों को जंगलों में बसाती है। किसान जब अपनी मेहनत से भूमि को फसल के लायक करता है फिर उसे वहाँ से भगाती है। सर, ये जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के लगभग 10 महीने हो गए हैं, सरकार से लगातार आपकी बात भी चल रही है, अभी तक किसी बात पर सहमति नहीं हुई है, क्या मामला है? कुछ मामला भाई, सरकार व्यापारियों को फायदा देना चाहती है जो बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए सहमति नहीं बन रही। वे चाहते हैं कि किसान की फसल आधे रेट में लूटे, बड़े व्यापारियों को फायदा हो, किसान को अपना भाव भी ना मिल पाए। एमएसपी भारत सरकार ने डिक्लेयर करा, हमने ये कहा कि आप उस पर गारंटी दे दो कि उसके कम पे खरीद नहीं होगी। किसी व्यापारी को खरीद करनी है तो जो भारत सरकार के नाम से उससे कम पे खरीद ना करे। उसको धान में नुकसान है तो कपड़े का व्यापार कर ले, सरकार खरीद दे या बाजार खरीद दे, जो भारत सरकार ने तय किए हुए एमएसपी उसके कम पे खरीद नहीं होगी। ये हम कानून चाहते हैं।